जय हिंद दोस्तों, आप सभी को गुरु नानक जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी के आज ही के दिन जन्म शरद पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। हम गुरु नानक देव जी के बारे में उनके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं। नानक नाम जहाज है जो उतरे सो पर, मेरा सदगुरु का मुझसे प्यार है वही मेरा जीवन है। गुरु नानक देव जी के एक बार वो भीषण कहे तो उनके शिष्य उनके साथ उनका एक शिष्य था, उनका नाम मरदाना था। एक जब वो भीषण कर रहे थे तो अचानक एक शाम होते होते एक गांव में पहुंचे। जब एक शाम गांव में पहुंचे तो उस गांव के लोगों ने उनको रहने के लिए न आश्रय दिया न ही रात को भोजन दिया। भगवान गुरु नानक देव जी और उनके शिष्य मरदाना उस रात उपवास पूरे रात में सो गए। जब सुबह की ओर जब गुरु नानक जी उस गांव से चले उन्होंने भगवान से दुआ की, भगवान करे यह गांव इसी तरह ऐसे ही बनी रहे। उनका जो शिष्य मरदाना था बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर दूसरे दिन जब ये चले तो एक दूसरा गांव मिला। जब दूसरा गांव मिला तो दूसरे गांव वालों ने शाम होते ही गुरु नानक जी को रहने के लिए व्यवस्था की, उनके शिष्य मरदाना को भी उनको अच्छी तरह भोजन कराया और सुबह में अच्छी तरह उनकी बार बिताई। जाते वक्त गुरु नानक जी भगवान से विनती की, भगवान करे ये लोग पूरे देश में बिखर जाए, ये उत्तर पूरे देश में बिखर जाए। यह देखकर उनका शिष्य मरदाना था उनसे रहा नहीं गया। वो अपने गुरु से पूछ दिए कि गुरुदेव जब वो दूसरे गांव वाले हम लोगों से बुरा बर्ताव किए तो आपने कहा कि वो इसी तरह बने रहे, जब यह गांव वाले लोगों ने हमारी इतनी सेवा की तो आप हमारे पूरा बिखर जाए। तो उस समय गुरु नानक जी सुंदर जवाब दिया, उन्हें कहा जब बुरे लोग एक ही जगह बने जहाँ रहेंगे वहीं बुराई फैलेंगे, जब अच्छे लोग पूरे देश में फैलेंगे तो पूरे देश में उनके प्रभाव अच्छा होगा। ऐसे हमारे गुरु नानक देव जी का विचार था। वो कहे थे कि मनुष्य को हमेशा अपने मेहनत और मेहनत पर लगन रहना चाहिए और अपने मेहनत के कमाई पर भरोसा करना चाहिए, नहीं लूट पाट पर। इसीलिए देखिए सिख पंथ में सबसे अधिक ये लोग मेहनती होते हैं और जो गुरु को मानने वाले होते हैं ये सबसे अधिक लंगर चलाते हैं। आप सभी को पुनः गुरु नानक जयंती की ढेर सारी।